हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको हर घर तिरंगा अभियान की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस इन एडवांस टू ऑल माय कंट्री लवर्स। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही, बहुत से लोग भारत से प्रेम करते हैं। तो हाँ जी गाइस, मैं बात करती हूँ हर घर तिरंगा अभियान की स्ट्रेटजी। जो बीजेपी समर्थक हैं वो तो मोदी जी की स्ट्रेटजी को समझ ही गए होंगे, बट जो लोग नहीं समझे उनको मैं बता दूँ कि जो तिरंगा है वो छत पर लहराया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान में। आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हो रहा है, तो सिर्फ एक ये स्ट्रेटजी है। देशभक्ति कभी भी छत पर नहीं दिखाई जाती है, ये सबको पता है। देशभक्ति है अगर वो आपके मन में है, छत पर लहराने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और दूसरा क्या, हर घर तिरंगा अभियान में इतना सस्ता कर दिया है तिरंगे को, इसकी वैल्यू को इतना कम कर दिया है, इतना घटा दिया है कि 20 रुपये में राशन में ज़बरदस्ती लोगों को तिरंगा दिया जा रहा है। देशभक्ति ही है, देशभक्ति करनी ही है, तो उन लोगों का भला करो, 20 रुपये का तिरंगा बेचोगे। तो जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी को समझो। हर घर तिरंगा अभियान, जो हर घर में तिरंगा लहरेगा वो बीजेपी समर्थक है एक तरह से। एक तरह से कैसे, अब देखो मोदी जी ने यह हर घर तिरंगा अभियान चलाया, बहुत से लोग इसे देशभक्ति समझ के और घरों पे टंगा लेंगे। ये नहीं कह रही कि वो बीजेपी समर्थक नहीं है या है, मेरा ऐसा कोई पर्सनल किसी पार्टी से वो नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो सिर्फ क्या होगा, वो अपोजिट पार्टीज़ के लिए या फिर आप लोगों के लिए सिर्फ एक साइन होगा कि बीजेपी किस तरीके से कवर अप कर रही है चीज़ों को और किस तरह से। वो तिरंगा नहीं है, वो बीजेपी दिखेगा, बीजेपी का झंडा है वो एक तरह से, जिस तरह से। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंस मनाएं, तिरंगा लहराएं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि छत पे तिरंगा लगा लें। अरे यार, बहुत से लोग श्याम बाबा का लगाते हैं झंडा, हनुमान जी का लगाते हैं, बहुत से लोग अपने अपने कुछ किस तरह के साइंस लगाते हैं, तो इस तरीके का नहीं है। जो झंडा है वो आपको पता है किस तरह से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हम उसे मानते हैं, किस तरह से हम उसे पूजते थे, उसकी पूजा होती थी, फूल माला उसे वो लहराया जाता था, और आज वो कहीं भी रोड़ों पे गिरा हुआ है हर घर तिरंगा अभियान की वजह से। राशन वालों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान की वजह से, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। ऐसा ऐसा करके देशभक्ति नहीं दिखाई जा रही है, सिर्फ एक ये मोदी सरकार की, मोदी जी सम्माननीय मोदी जी की क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, इसे फॉलो ना करें। और हर घर तिरंगा वाला, अगर आप बीजेपी समर्थक हैं तो इसे लगाएं, बट जो नहीं है वो थोड़ा इस स्ट्रैटेजी को समझे। देशभक्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोविड में क्या था, तालियां बजवाई थी, कोविड तालियों से गया क्या, जो देशभक्ति आ जाएगी छत पे, ऐसा नहीं है। तो इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात जा सके। मुझे पता है YouTube भी इसे कॉपीराइट दे देगा, लोग भी इस पर किसी तरह का भी कमेंट कर सकते हैं कि अपोजिट जाने के लिए, कि मैं अपोजिट जा रही हूँ, बट ऐसा नहीं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे, ये नहीं कि मेरी वीडियो लोगों तक पहुँचे, आप भी बता सकते हैं लोगों को ये बात। तो थोड़ा सा जो बीजेपी समर्थक ना है, ऐसा नहीं है, आपको मोस्टली लोग दिखेंगे झंडा लगाए हुए, बट ठीक है, जो बीजेपी समर्थक हैं वो लगाएं, हम तो हैं नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।